नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जाएगी, जिसमें टीम इंडिया का जो स्क्वाड है वो घोषित हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मुकाबला 17 मार्च को खेला जाएगा, जिसमें भारत के उन धुरंधर और खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जिनका क्रिकेट फैंस काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे। तो कौन कौन है वो खिलाड़ी, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। आप उससे पहले इस वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन खिलाड़ी है जो टीम इंडिया में वापसी करेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम। नंबर 1 रोहित शर्मा कैप्टन, नंबर 2 श्रेयस अय्यर, नंबर 3 शुभमन गिल, नंबर 4 सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 विराट कोहली, नंबर 6 ईशान किशन, नंबर 7 केएल राहुल, नंबर 8 अक्षर पटेल, नंबर 9 हार्दिक पांड्या, नंबर 10 रविंद्र जडेजा, नंबर 11 वाशिंगटन सुंदर, नंबर 12 जसप्रीत बुमराह, नंबर 13 कुलदीप यादव, नंबर 14 मोहम्मद शमी, नंबर 15 मोहम्मद सिराज, नंबर 16 शार्दुल ठाकुर, नंबर 17 उमरान मलिक, नंबर 18 युजवेंद्र चहल। तो दोस्तों ये 18 मेंबर स्क्वाड है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घोषित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस स्क्वाड में रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह, जी हाँ दोस्तों, दोनों धुरंधर खिलाड़ी, खतरनाक खिलाड़ी जो लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर थे, वो दोनों खिलाड़ी अब एक साथ दिखेंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो क्रिकेट फैन काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे इनका कि ये दोनों खिलाड़ी आखिर टीम इंडिया में कब वापसी करेंगे। वहीं हम बात करें तो टीम इंडिया के और भी खिलाड़ी है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ स्क्वाड में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, क्या टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से 3 मैचों की ओडीआई सीरीज में क्लीन स्वीप कर पाएगी, वो दोस्तों हम देखेंगे। वैसे तो स्क्वाड में टीम इंडिया के धुरंधर और ख़तरनाक खिलाड़ी शामिल है, तो दोस्तों टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 बनेगी वो बहुत ही तगड़ी दिखेगी बहुत दिनों के बाद। जी हाँ दोस्तों, वैसे हम बात करें तो उसमें विराट कोहली भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, विराट कोहली अपने फॉर्म में अलग ही छाए हुए हैं, ये अपने फॉर्म में वापस लौट आए हैं और लंबी लंबी बड़ी बड़ी पारियां खेल रहे हैं अपने बल्ले से। जी हाँ दोस्तों, ये शतक भी लगा रहे हैं, फिर से अपने फॉर्म में आ चुके हैं। वहीं हम बात करें तो और भी खिलाड़ी है, जैसे ईशान किशन है, ईशान किशन की बात करें तो वह भी अलग छाए हुए हैं। वहीं बात करें हम शुभमन गिल की, तो दोस्तों शुभमन गिल ने भी दोहरा शतक लगाकर इतिहास बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये भी अलग ही फॉर्म में छाए हुए हैं, ये भी कंटिन्यू रन बनाते जा रहे हैं। वहीं हम बात करें श्रेयस अय्यर की, तो ये भी शानदार फॉर्म में है। और मोहम्मद सिराज की बात करें तो ये भी बॉलिंग में छाए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये भी बहुत ही शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। वहीं हम बात करें अर्शदीप सिंह की, दोस्तों अर्शदीप सिंह भी कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये यॉर्कर बॉल भी खतरनाक डालते हैं, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों अच्छे डालते हैं। वहीं हम बात करें ईशान किशन, जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन ने तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया, सबसे फास्ट दोहरा शतक, जी हाँ दोस्तों, सबसे तेज दोहरा शतक बना दिया है, ये भी एक अलग फॉर्म में छाए हुए हैं। वहीं बात करें हम सूर्य कुमार यादव की, तो सूर्य कुमार यादव तो निडर क्रिकेट खिलाड़ी है, ये भी बहुत शानदार बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ दोस्तों, और टीम इंडिया में और भी खतरनाक और डेंजरस खिलाड़ी है जो कभी भी अपने बल्ले से कोई बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं और बॉलिंग से कमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।